सिद्धार्थ भाई बराए मेहरबानी लोगों को बुद्धू बनाना छोड़ दें, पागल बनाना छोड़ दें। हमें पता है कि आपका रोजगार है, आपका कारोबार है, हम समझते हैं आपकी फीलिंग्स को। आप हर बंदे से पैसे मांगते हो, आपका कारोबार है, ये चीज़ सिर्फ आप ही के अंदर है और किसी के अंदर ये चीज़ नहीं है। ठीक है मेरा भाई, आप ये आपका जो कारोबार है, आपने जिसको कारोबार बनाया है, आप सिर्फ कारोबार किया करें, ना कि किसी से दोस्ती किया करें, ना किसी से ताल्लुक रखा करें, क्योंकि ना दोस्तों के ना आदाब होते हैं। ठीक है मेरा भाई, तो अगर आप किसी से दोस्ती करेंगे, किसी से फ़ायदा लेंगे, तो अगला भी उम्मीद लगाता है कि जी हमारे साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैंने ये वीडियो नहीं बनानी थी, किसी सूरत भी नहीं बनानी थी, और मेरा कोई मकसद भी नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वेला मुंडा साहब ने फिर मेरे बारे में बात की है। भाई देखो, जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए हो, हमारा कोई मसला मसाइल नहीं रहा, तो फिर ब्रॉडकास्ट पर बैठ के, किसी के ब्रॉड पर बैठ के मेरे बारे में बात क्यों की जा रही है? ठीक है, नहीं करनी चाहिए आपको। फिर आपने वही बातें रिपीट की हैं, यानी कि मुझे आप डिग्रेड कर रहे हैं। भाई आप मुझे क्यों डिग्रेड कर रहे हैं? बुरी बात है ना, आप मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा, मैं तो आपके बारे में बात नहीं कर रहा, फिर आप क्यों बात कर रहे हैं मेरे बारे में? आपने कहा है जी 1 लाख दिया उसने, मैं ज़रा सुनाता हूँ आपको, खुद भी सुनता हूँ। ये इन्होंने अभी कल परसों वाले ब्रॉडकास्ट में गए हैं ये। इन्होंने कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया। कौन सा इन्होंने काम स्टार्ट किया भाई? कोई भी काम इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। इन्होंने कहा है जी 1.5 लाख की बात होगी, मैंने इनका काम स्टार्ट कर दिया। भाई तुमने कौन सा काम स्टार्ट किया? कोई काम भी स्टार्ट नहीं किया। चैनल बनाया कोई भी बना देते हैं। तुमने क्या कहा, एक शाउट आउट दिया इसी जगह पर बैठ के, यहीं पर मैं बैठा हूँ, यहीं पर वो बैठे हुए, यहीं पर उन्होंने बोला जी हमारे उमर भाई हमने चैनल बनाया, इनको सपोर्ट करें। और इन्होंने मेरी क्या हेल्प की है? इन्होंने मुझे बताया कि एडिटिंग कैसे होती है, इन्होंने बताया कि थंबनेल कैसे बनते हैं, इन्होंने क्या मेरी फेवर की है? कोई भी फेवर नहीं की। ऐसे फजूल में जाके ब्रॉडकास्टों में जाके बात कर रहे हैं, भाई मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो जब मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं करनी? हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल्स किए कि मैं ऐसे करते हैं उसके लिए, ऐसे करते हैं उसके लिए। इनकी इनकी मोहब्बत करने वाले भी तो बहुत लोग हैं ना, इनसे प्यार करने वाले भी तो बहुत लोग हैं ना। वो आप समझ रहे होंगे कि कौन प्यार करने वाले। 3672 कॉलें मुझे आई हैं कि हम आप हुक्म करें, हम ऐसे करते हैं, आप हुक्म करें। और मैंने कहा भाई मैंने नहीं कुछ करवाना, मेहरबानी करें। अभी इन्होंने खुद भी मुझे मैसेज किए हैं कि मैं उमर भाई माजरा चाहता हूँ आपसे, अगर आपकी दिल आजारी हुई है। भाई आपको लगा है ना कि आपने गलत की है, इसलिए तो आपने माजरत की है ना। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ मैसेज जो इन्होंने मुझे किए हैं, कहीं आप सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इनका इतना बड़ा मैसेज आया पहला, ठीक है, इनको गलती थी तो इन्होंने मांगी है ना, माफ़ी मांगी है। इनको था ना, एहसास हुआ ना इनको कि हाँ जी मैंने गलत किया है। इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि हाँ मैंने गलत किया है। देखो शहजाद भाई, वीडियो का जवाब मैं वीडियो से दूंगा, मैसेज का जवाब मैं मैसेज पे दूंगा। आपको चाहिए ही नहीं कि आप मेरे बारे में कहीं भी बात करें, अपनी बात करें। आप उनको ये भी बोल सकते थे जिन जनाब के पास आप बैठे थे कि सर मैं उस शख्स के बारे में बात नहीं करना चाहता, उसके बावजूद भी आपने मेरे ख़िलाफ़ बात की। भाई आपको क्या ज़रूरत है? आप अपना काम से काम रखें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। भाई आप मेरे खिलाफ़ ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आज के बाद आप मेरे बारे में बात कोई नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो वक्त था जितना था चला गया, उसके अलावा भी काफ़ी बातें हैं, मैं ज़रा सुन लूँ। मैंने रिकॉर्डिंग की थी, टिकटॉक भी चल रही है। जब मेरा आपने चैनल बनाया है उसके बाद आप मेरे से कभी मिलने ही नहीं आए। आप मुल्तान 6 दफ़ा मुल्तान आए, आप मुझसे कभी मिलने ही नहीं आए मेरी जान। आप कह रहे हैं कि जी काम कटवाई रखा, काम कटवाई रखा। मेरा भाई हमें कोई शौक नहीं है। अल्लाह पाक आपको, आपका कारोबार मुबारक हो, हर चीज़ आपको, खुश रहो भाई। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई लल्लू फरलू नहीं हूँ मेरा भाई। मैंने कोई नया नया पैसा नहीं देखा, मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखी कि जिसके लिए मैं पागल हो जाऊँ। ठीक है, मैं व्यूज़ के लिए यूँ कर लूँ ऐसे कर लूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था भाई। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं चैनल बनाऊँगा। ये तो बस शौक छड़ गया, और अब छड़ गया तो ये उतरेगा नहीं शौक। हम इसी शौक के लिए दुबई शिफ्ट हो रहे हैं कि ताकि अपने लोगों को फ़ायदा दें, दुबई में जाके अवेयरनेस दें अपने भाइयों को कि दुबई आओ कारोबार करो, पाकिस्तान में बेरोज़गारी है,
हम तो सपोर्ट करेंगे सारे भाइयों को, और आज भी जो भाई हमारे पास आता है हम तो दिल से खुश शुक्रिया भी करते हैं, अपने साथ भी बिठाते हैं, हम तो फख्र महसूस करते हैं भाई कोई हमारे सामने को चल के आया। हम कोई मैं बातें कुछ ऐसी करूँगा कि आपको ठेस पहुँचेगी, तो मुझे ये अंदाज़ आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरे खिलाफ फिर वीडियो बनाई है ब्रॉडकास्ट में बैठ के। आपको ज़रूरत ही नहीं थी, अगर उस बंदे ने सवाल किया आप देखो भाई कोई और सवाल कर लो, ये सवाल ना करो मुझसे। तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी जी। और ज़रा सुन लें जनाब ने क्या क्या हमारी खिदमत में पेश किया, 2.5 मिनट की वीडियो। मैंने जब सुनी तो मेरा दिल बड़ा उदास हुआ कि भाई इस बंदे ने फिर मेरे एक साइड पर मुझसे माफ़ियाँ मांग रहे हो तुम, और एक साइड पर तुम ब्रॉडकास्ट पर जाके मेरी बात कर रहे हो, कितनी गलत बात है। हेल्प आपने कोई हेल्प की नहीं शराब भाई, मैं दोबारा रिपीट करूँ, दोस्ती में कौन सी आपने हेल्प की है? आप खुद सोचना कि भाई आपने क्या हेल्प की है भाई, पैसे ले गए प्रमोशन दी है, हेल्प कहाँ की है आपने? आप किधर ये ब्रॉडकास्ट पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि हेल्प की, किधर हेल्प की है भाई जाना आपने? बताएं जरा मुझे भी बताएं भाई तुमने हेल्प की है, किधर हेल्प की है भाई तुमने? भाई पैसे लिए हैं प्रमोशन दी है, हेल्प कहाँ की है? दोस्ती में हेल्प हेल्प कर रहे हो आप, किधर हेल्प की है? इधर चैनल बना, इधर आपने प्रमोशन दी, इधर आपने पैसे लिए, खत्म हो गई, हेल्प कहाँ की है भैया आपने? फजूल में आप लोगों को जाके बातें कर रहे हैं हेल्प की है, जरा और सुन लो। मैं भाई कौन सा बिजनेस किया आपने मेरे साथ? आपने पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए, आपने प्रमोशन दी, बिजनेस कौन सा बिजनेस है? पता नहीं आप लोग क्या समझ लेते हैं अपने आप को, पता नहीं क्या अल्लाह मैं रहम कर दे बस, अरबों खरबों पति लोग हैं उनमें इतनी आजी हैं, या पता नहीं क्या दुनिया समझती है थोड़े से पैसे आने के बाद, पता नहीं खुदा समझती है अपने आप को, क्या समझती है मुझे तो ये नहीं समझ में आया, या क्या बताएं यार। भाई मेरे पास कौन सा दूसरा तरीका है? मैंने आपके बारे में क्या बात कर दी है? इतने अच्छे तरीके से आप कहाँ चल गए भाई, क्या चल गए, किधर चले हो आप इतने अच्छे तरीके से? क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। आप आते थे वेलकम था, सो बिल्कुल, आपने क्या किया? कभी भी कुछ नहीं किया ना, हमने आपको कभी कुछ कहा कि कुछ करें आप? बड़ी बात है यार। अभी भाई बात की है कि उसको किसी ने आइडिया दिया, भाई मुझे किसी ने आइडिया दिया? मेरी फीलिंग्स थी, मैंने लोगों के आगे शेयर की हैं, आपको एक्सपोज किया है, मुझे किसी ने क्या कहना है? हैं भजन, जब आपने जो आप मेरे दोस्त हैं, आपने मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया, तो दुनिया ने क्या सिखाना है भजन? आप कह रहे जी किसी ने उसको कहा ऐसे फेम मिलेगा, भाई हमें शौक नहीं है, अल्लाह पाक आपको ये मुबारक हो, आप ही को मुबारक हो मेरा भाई। दोस्ती वाला चलती, दोस्ती किधर चलेगी भाई हैं भाई जान, दोस्ती किधर चलेगी? एक तरफ आप माफ़ियाँ मांग रहे हो मेरे से, मैसेज कर रहे हो मुझे, और एक तरफ आप ब्रॉडकास्ट पे जाके बातें कर रहे हो कि दोस्ती चलेगी। भाई कैसे दोस्ती चलेगी? आप अपने घर खुश हो भाई, मैं अपने घर खुश हूँ, कोई हमारी दोस्ती बस ठीक है। भला करो यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रही, आपने कहा कि सरायकी की मिसाल है कि किसी के साथ भला करो, भाई भला किधर की है, कौन सी बात पे भला कह रहे हैं यार? मुझे शहजाद भैया आपकी ये नहीं समझ में आ रही, आप कह रहे हैं भला किया है, मेरी जान के जिगर किधर किया आपने भला, किस बात पे भला किया? भला भला का लफ्ज़ पता है, भला के मीन्स पता है आपको कि भला किसे किया जाता है? किसी के साथ कुछ किया जाए उसको भला कहते हैं। ये पैसे ले के प्रमोशन देना उसके लिए किधर आपने भला किया मेरी जान? आज के बाद मेरी जान आप प्लीज़ मेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, किसी ब्रॉडकास्ट पर नहीं जाएंगे, जाएंगे अपनी मस्जिद जाएँ, मेरी बात क्यों करते हैं यार? मुझे ये बात बड़ी नागवार लगी है कि आपने वहां बैठ के भी वही बातें की हैं, एक तरफ आप माफिया मांग रहे हैं, एक तरफ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। शहजाद भाई ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है कि आप किसी पर पर्सनल अटैक करें, एक तरफ आप माफिया मांगे, एक तरफ आप ये करें, बहरहाल ये बात बहुत बुरी है, गलत है,
ठीक है, आज के बाद प्लीज आप इस तरह काम ना कीजिएगा, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी है, मैंने वीडियो का जवाब वीडियो में दिया है, तो बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे बारे में बात ना कीजिएगा, और मेरी कोई आपसे कोई मामलात नहीं, कोई रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई मामलात नहीं, कुछ भी नहीं है, आप अपने घर में खुश रहो, अपने मामलात करो, जो दिल करे आप करो, लेकिन आज के बाद आप कहीं बैठ के मेरी बात ना कीजिएगा, प्रेम वगैरह ना किया करें, आप बस अपनी ज़िंदगी में मगन रहा करें, अपनी वीडियो शीडियो बनाया करें, अपने घर वालों को टाइम दिया करें, और जो आपका काम है वो किया करें, आप लोगों पर तनकीद ना किया करें, बराए मेहरबानी, ये पूरा पाकिस्तान आप पर तनकीद करता है, आप इस तरह हरकतें ना किया करें, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहा करें, किसी के बारे में कोई बात ना किया करें, मेरा भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे मेरा भाई, तो बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे खिलाफ़ तो कम से कम वीडियो ना बनाना, ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, ये हमारा पैगाम था, उम्मीद है कि शायद अभी तक पहुँच गया होगा।